उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। ये रोड है ग्राम सभा खड़गोली की पीएमजीएसवाई द्वारा बनाई गई। ठीक ऊपर आप देख रहे हैं लेयर, पहला लेयर ये डामर किया गया है, अच्छे सा डामर जो दिखाता है, जिसको जेई वेरीफाई करता है और पीएमजीएसवाई का अधिकारी साफ बोलते हैं कि हमने काम अच्छे से गुणवत्ता से कर रखा। तुरंत मिट्टी है, ना कोई रेत है, ना कोई कंक्रीट है, ना कोई कोलतार, जो उसकी कोलतार है ना कोई अच्छे तरीके से की गई। तुरंत देखिए उखड़ चुका है पूरा, बताइए इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है ग्राम सभा खड़गोली। पूरा आप यहाँ से बिल्कुल जितने मीटर तक पेंटिंग हो रखी है पूरी, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से। तो प्रधान जी द्वारा कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार का उजागर किया गया। प्रधान जी लगातार इस गतिविधि में थे कि इस प्रकार का काम गुणवत्ता से हो। काफ़ी बार उनको व्यक्तिगत रूप से समझाया भी, बुधाया भी, इस प्रकार का काम ना करें, परंतु फिर भी उनकी अपनी मनमानी है। कोई ठेकेदार यहाँ पर है नहीं, बिल्कुल लेबर के तौर पर किसी को रखा हुआ है। जो भी गुंडागर्दी करता है उसको बता दिया जाता है तो वो भी गुंडागर्दी करता है। तो इस प्रकार से देखिए ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा है और बिगैर गुणवत्ता के, ये देखिए तुरंत ही तत्काल, ये देखिए अभी इस प्रकार के सारे तुरंत मिट्टी है। देखिए ये भ्रष्टाचार है ग्राम सभा खड़गोली के मंगरोली रोड पे, जो साफ तौर पर विभागीय तौर पर इस प्रकार का दिखाया जा रहा है। तो ये था सोनी बैंड और यहाँ पे आसपास बस्त आबादी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं लिंक रोड जो बनी है उसमें पहले भी इस प्रकार की ग्राम सभा खड़गोली के लिए खड़गोली रोड का ही देखो, इतने मोटे मोटे डामर पत्थर के साथ मिट्टी के साथ और सीधे पेंटिंग की जा रही है। अब तो ये कीचड़ भी साथ में है, इसके साथ लगा हुआ कीचड़ भी है और साथ में पेंटिंग की जा रही है। सीधे इसी प्रकार के पेंटिंग को बढ़ावा दिया, देखिए इस प्रकार इन्हें इतने बड़े पत्थर मतलब रहता है ना कुछ है, सीधे पेंटिंग की जा रही है। पेंटिंग आपको दिखा दें यहाँ पर, पेंटिंग सीधे आगे और ये पेंटिंग अभी अभी की गई। ग्राम सभा के लोगों द्वारा इसको थोड़ा रोका गया, परंतु उनके द्वारा इनको धमका दिया गया ग्राम सभा के लोगों को। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस हिसाब से बात हुई तो वो भी कह रहे हम आएंगे, परंतु अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है जो आ रहे हैं। और ये देखिए पूरी इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें रेता है ना कुछ है ना कुछ है, मिट्टी के साथ पेंटिंग की जा रही है, मिट्टी के साथ पेंटिंग की जा रही है। तो प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके जी, प्रधान जी ये कैसे कैसे काम हो रहा है? ये हो रहा है रात के 9:30 बजे का काम हो रहा है। कल रात पेंटिंग हो रखी है, ये बड़े बड़े रोड बिछाए गए एक बार, उसके बाद मिट्टी बिछाई जा रही है। तो ये लाल ये काला जो पेंटिंग जो घोल है, काला घोल ये घोल है काला, इसमें पेंटिंग की जा रही है पीछे से। अच्छा काला घोल डाल करके थोड़ी नॉर्मल से और पेंटिंग की जा रही है। जी है नहीं, इसमें ऊपर से रोड़ी है ना रेता है कुछ नहीं है, खाली मिट्टी बिछाई जा रही है इन रोडों में। ये है पेंटिंग ठेकेदार के द्वारा पेंटिंग की जा रही है। जे साहब विभाग टेक्नीशियन कोई साइट पर नहीं है, ठेकेदार मन मर्जी ये ऐसा काम कर रही है। तो ये भ्रष्टाचार का मामला है और गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो क्योंकि लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही होगी ठेकेदार द्वारा? आप लोगों ने इस पर कई बार सूचना भी दी है पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई इस रोड की। ठेकेदार वो एक्शन साहब से जे साहब ने कई लिखित में मौके में कई सूचना दी, लेकिन कुछ काम कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही इस पर। तो डीएम साहब से इस बात की जांच चाहते हैं प्रधान जी कि ये गुणवत्ता अच्छी हो और इस पर जो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और जो विभाग की लापरवाही उसके खिलाफ भी कार्रवाई, उसकी जांच करते हुए कार्रवाई हो जाए। बिल्कुल हम इसकी जांच चाहते हैं और ठेकेदार के खिलाफ जो ऐसे अनियमितताएं हो रही है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो रोड की बुरा हाल करके रखा है इन्होंने, अलाइनमेंट खत्म है, नालियाँ नहीं है, इसका वो टूटने जा रहे हैं, इनके पैराफिट में जो प्लास्टर है टूटे हुए हैं। तो प्रधान जी द्वारा अपनी बात को रखा गया है, ग्राम सभा की जो पीड़ा है उसको बताया गया है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला है। ऊपर से सारा जो देखिए इस प्रकार की अनियमितता बढ़ती जा रही है रोड़ी के ऊपर, सीधे सीधे रोड़ी के ऊपर जो ये मोटी रोड़ी है जो गांव के जो पत्थर निकले हैं इसको तोड़ फोड़ के बिछा करके सीधे उसके ऊपर जो पेंटिंग की जा रही है, वो भी बरसात के दौरान जो सारा बह जा रहा है। जब भी कोई शिकायत हो, जब भी कोई बातचीत करें तो उनका ये कहना है कि हमने बरसात में पेंटिंग किया और उखड़ गया है। तो बरसात में पेंटिंग करते ही क्यों हैं लोग और गुणवत्ता क्यों नहीं, इसके ऊपर रहता नहीं है, रोड़ी नहीं है, किस गुणवत्ता से काम हो रहा है? तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच हो और जिलाधिकारी से यही मांग करते हैं और डीसी चमोली के कि इस प्रकार की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए लापरवाही का जो मामला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सामने आप देख सकते हैं तो प्रधान जी द्वारा इस बड़ी मुश्किल से इस काम को रोका गया और इस काम रुकवाया गया कि इस काम इस प्रकार का गुणवत्ता काम गुणवत्ताहीन काम न किया जाए। तो इस पर लेबर, हाँ भैया कैसा काम करो तुम यहाँ पे, किसके कहने पर करो तुम ये काम? तो मुल्ला जी कह रहे हैं तो अपनी मर्जी से इसमें रेता नहीं डालता है भाई, हमको तो इसने हम तो गिट्टी तोड़ रहे हैं, गिट्टी तोड़ रहे हैं। कहाँ है वो ठेकेदार? ये पूरी मिट्टी है, ये
ये सब सब सड़े पत्थर है, मिट्टी है बस। तो ये मिट्टी का है सारा, मिट्टी के ऊपर पेंटिंग की जा रही है ग्राम सभा खड़गोली के। जैसे लोग अपने काम पर लग जाते हैं वैसे चोरी छुपे ठेकेदार आता है, ठेकेदार के कारण, ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार के जो लेबर रखी है वो आती है चुपके से इसको करके चली जाती है। इसके ठेकेदार अपने यहाँ चले जाएगा पर इसका भुगतान ग्राम सभा खड़गोली को तो किया जा रहा है, इसका भुगतान ग्राम सभा खड़गोली के लोगों को तो रोड की बनाई जा रही है। तो इसका लापरवाही किसकी है? जेई की है और यहाँ पर जो अशासी अभियंता उनकी है। कई बार कहने के बावजूद भी काम को नहीं बढ़वा देते, पूरी मिट्टी में काम किया जा रहा है, बताइए। इसको उठाई प्रधान जी, मिट्टी उठाई तो ये पूरी मिट्टी है, ये देखिए पूरी मिट्टी की मिट्टी है। जो ये पत्थर जो रोड है ये भी सड़े हुए हैं। ये कौन अधिकारी है जिस जांच को इस रोड को पास करते हैं, क्लियरिफिकेशन करते हैं कि रोड पूरी गुणवत्ता से बनी? यही गुणवत्ता है रोड की जो दिख रही है सामने। ये इसी प्रकार का भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, पूरी मिट्टी के साथ कुलता डाल के पेंटिंग किया जा रहा है। ये देखिए पूरी मिट्टी के साथ कुलता डाल के पेंटिंग किया जा रहा है, पूरा मिट्टी है, देखिए पूरा मिट्टी। ये अपने आप में देखो ये पूरी मिट्टी, पूरी मिट्टी के ऊपर मिट्टी, पूरी मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है। ये ये देखिए लापरवाही पूरी ग्राम सभा खड़गोली के साथ की गई है। पूरी पेंटिंग इस प्रकार से दिखा दें आपको, ये देखिए मिट्टी में पत्थर भी नहीं है, बैंड है अपने आप में बहुत बड़ा डेंजर बैंड है। ऊपर देख सकते स्लाइडिंग जोन है, नीचे बैंड है और नीचे आबादी रहती है, तो आबादी को भी खतरा है और रोड की जो गुणवत्ता वो सामने दिख रही है। पत्थर भी बिल्कुल नहीं बिछे हैं यहाँ पे, पूरी मिट्टी देखिए, ये मिट्टी पूरी दिख रही है, ये पूरी मिट्टी, ये पूरी मिट्टी ग्राम सभा खड़गोली में। मिट्टी के सहारे की जा रही है डामरीकरण, न रेता है न कुछ है न कुछ है, मनमर्जी से करके काम करके निकल जा रहे हैं। ठेकेदार भाग जाते हैं और ब्लास्ट में भुगतान ग्राम सभा खड़गोली में ग्रामीण लोगों के, खड़गोली का मुद्दा नहीं बहुत जगह का मुद्दा है और कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार की लापरवाही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की जरूरत है। जो चमोली जनपद के जिलाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करते हैं। पत्थर कहाँ कहाँ पड़ा है? नहीं पड़ा ना, नहीं नहीं जैसे यहाँ ना मिट्टी पड़ी हुई है, जैसे यहाँ तो अनिल ने कर रहा था, देखो जैसे इसके ऊपर मिट्टी है, ठीक है, अगर हम इसको देखते नहीं बोलते नहीं तो इसको मतलब दामाद पड़ गया था, दामाद पड़ गया था। ना ना वो तो खोद के पता चल जाएगा ना क्या है कैसे बह जाएगी वाहन की, तो जो खड़गोली रोड का जो डामरीकरण हुआ इसकी जो जाँच प्रक्रिया हो रही है, जी साहब खुद से देख रहे हैं अपने हिसाब से, कौन सोनी जो ये है मिट्टी इन्वॉल्व है, तो मिट्टी मिक्स की गई सारी इधर भी, ना ना रुक नहीं इधर भी देखो साइड कॉर्नर भी सब ऐसी है, किसी नहीं और यहाँ पे देख लो सर, ये सारा मिट्टी का स्पॉट है और आप चेक करो कोई बात नहीं किसने खोद दिया हुआ ऐसा हो सकता है। ये देखो ये सारा पेंटिंग का मामला है, ये किस अकदर में भाई, ये नीचे पूरी मिट्टी है, इसमें ये पूरी मिट्टी है, क्या है सर ठीक है ये मामला? जो फिर फिलर में डाल रखा ना, ये सभी जगह नीचे से ऊपर तक यहाँ तक कैसे लगा रही, सारा एरिया खराब है कहीं फिलर में हो यार अपने सामने खूब थोड़ा खोद दे। मिट्टी ज़्यादा है उसमें, कंकड़ बारीक हो गया ये पत्थर भारत जाके डाले गए हैं, इसमें लग रहा है सर ऐसा कुछ होगा।
इसमें लग रहा है कुछ ऐसा होगा जो रोड की पूरी मिट्टी वहाँ तो होगा यहाँ पे नहीं होगा लाइन रहा सर देखो देख लीजिए वो तो खैर उसमें वेट नहीं होगा 50x50 गड्ढा बनाएंगे उसमें वेट आना चाहिए वेट पता चल जाता है सर पत्थर भी तो नहीं है पता नहीं क्या है क्या नहीं ये तो सब आप लोग जहाँ से रखाएंगे आप बताइए इतना बड़ा गड्ढा नहीं हुआ अगर चाहे तुम तो तराजू लेके उसमें छान के पता चले कि इसके नीचे पूरा जमीन ही है इसके नीचे जीएसबी होगी इसमें मिट्टी ज्यादा है पत्थर ज्यादा है पहले बताइए मुझे इसमें ज्यादा तो पत्थर ही है देख लो ये पत्थर है सर ठीक है आपने बोल दिया अरे नहीं मैं छान के छानवा देता हूँ सामने तराज ला देता मैं ये नहीं बोल रहा यार अगर कम है तो मैं दोबारा डलवा रहा हूँ उसमें अभी तो नॉर्मल है कि पत्थर ज्यादा उसमें ठीक है नॉर्मली आपने नीचे से बिछाया है हाँ आपने नीचे से बिछाया ये पूरा इंच के हिसाब से खुदा होगा जैसे जो रोड के मापन है मतलब कितना मतलब जो मोटा वाला पड़ता है कितना इंच पड़ता है उतने इंच में भी ये लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर को तो नहीं वहां कुछ और दिख रहा है यहां कुछ और दिख रहा है वहां तो ठीक दिख रहा है जैसा आप बता रहे हैं यहां पर पीछे साइड मतलब 20 एमएम था ऊपर का तो 20 अरे वो तो अलग चीज है ना 20 एमएम अलग चीज है नहीं जो आप दिखा रहे हैं मोटा आ गया है ना पड़ा हुआ 20 में पैच पड़ा है आपने हां वहां पे ठीक है जो गैप में पड़ा है पीस वो सोने अच्छे से यहीं पे आगे पे देखो आप ही डालो सुबह का जब हम आए थे ना उसके बाद डालो पता नहीं मैंने डाला अब आप इसको देखो और आप कर क्या रहे हैं मैं समझ नहीं आती बात उनको मंगा दो नीचे तरह नहीं नहीं आप बताइए ना आप कर क्या रहे हैं आप कुछ कर ही नहीं रहे रोड पे आप देख रहे हो ये देखिए ये पेंटिंग खड़गोली की पेंटिंग एक बरसात में उखड़ रहा है पूरा बिल्कुल हल्का सा पांव बिल्कुल ये देखिए आप हाथ से भी हम हाथ भी लगाएंगे तो ये पेंटिंग उखड़ रहा है ये ग्राम सभा खड़गोली में पेंटिंग उखड़ रहा है ये पेंटिंग उखड़ रही है ग्राम सभा खड़गोली ये नीचे पूरी मिट्टी आई जी ये मिट्टी है ये देखिए पूरी मिट्टी ये है ग्राम सभा खटगोली सोनी की रोड और आपको दिखा दे पूरी मिट्टी जो मिट्टी है पूरी ये दलदल बनी है इसी के ऊपर ठेकेदार की मनमानी और पीएमजीएसवाई के कर्मचारियों की लापरवाही कोई भी देख रेख यहाँ पे नहीं है ना यहाँ पे जेई है ना यहाँ पे विभाग के कर्मचारी कोई है बिगड़ देख रेख के इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं ग्राम सभा खटगोली में पहले भी ये रोड संदिग्ध के घेरे में है और लापरवाही बहुत बढ़ती गई है अलाइनमेंट रोड का खराब है और डामरीकरण अच्छे से नहीं है जो पुराना डामरीकरण के उखड़ गया है परंतु वर्तमान आप दिखा सकते हैं आपको ये पूरा कवरेजिंग आपको दिखा रहे हैं पूरी मिट्टी जो यहाँ पर पड़ी है इसी के ऊपर से डामर किया जा रहा है ना इसके ऊपर रेता बिछाया जा रहा है ना रोड़ी बिछाई जा रही है जो बारीक रोड़ी होती है ना वो बिछाई जा रही है सीधे डामर का बिल्कुल हल्का घोल बना करके इसके ऊपर चिपका दिया जा रहा है अब वही बरसात के दौरान किया जा रहा है जिसमें बरसात के दौरान हर बार ये उखड़ जाता है जो यहाँ से 4 किलोमीटर का डामर इसके पीछे हुआ है 3 किलोमीटर वो सारा उखड़ चुका है तो कई बार विभाग के कर्मचारी बातचीत हुई जो जय साहब से बातचीत हुई तो वो भी मनमानी कर रहे हैं और टालमटोल कर रहे हैं गुमराह कर रहे हैं बात को ग्राम सभा खटगोली में इस अनियमितता क्यों कौन इस चीज का जिम्मेदार है कौन इस चीज को बढ़ावा दे रहा है इस प्रकार के घोटाले को ठेकेदार की मनमानी देखिए यही पर मिट्टी है पूरी और इसमें कुछ भी रेता इसमें कुछ रेता ही नहीं है सीधे कोलितार इसमें डाल दिया गया है जिससे कोलितार होने के कारण जो बरसात होती है सारा उखड़ के निकल जाता है तो ग्राम सभा में इस प्रकार की अनियमितता लगातार बनी हुई है ग्राम सभा खटगोली में जो आप देख रहे हैं ये रोड जो पहले भी है संदिग्ध के घेरे पे है कहीं ना कहीं इस प्रकार का विभाग लापरवाही है ना विभाग के कोई कर्मचारी यहाँ पे है ठेकेदार भी यहाँ पे कोई नहीं है जो भी है लेबर है जो अपनी मनमर्जी से काम कर रही है ठेकेदार को तो भी फोन करो फोन रिसीव नहीं करते हैं और बिगर किसी जिम्मेदार अधिकारी के बिगर किसी जेई के और आइए यहाँ के ग्राम प्रधान से जानते हैं कि क्या किस प्रकार गतिविधि है कैसा ये काम हो रहा है आप और उनका क्या कहना है इस गुणवत्ता के बारे में क्या कहते हैं क्योंकि रोड़ी जो जिसे दिख रही है आपको पूरी ये कहीं इसमें पूरी कोई रेता नहीं है और ना ही इसमें किसी प्रकार का केमिकल और मिलाया गया है कोलतार का हल्का घोल मिला करके चिपका दिया गया है और आगे सारा मिट्टी दल दल जो दिख रहा है इसके ऊपर से ना सफाई करते हुए पूरा मिट्टी लगाए डामर किया जा रहा है जो कि खाना पूर्ति की जा रही है ग्राम सभा खटगोली में रोड के नाम पर पीएमजी द्वारा
थैला लगी है भाई, थैला दूर है। ये देखिए ग्राम सभा खटगोली PMJSY के रोड, यहाँ देखिए पूरी मिट्टी, देखो इंच भर में ही मिट्टी निकल गई है, पूरी इंच भर में ही मिट्टी निकल गई है। इस मिट्टी में डामर किया जा रहा है, इस मिट्टी में डामर किया जा रहा है ग्राम सभा खटगोली में। PMJSY की लापरवाही और जे की लापरवाही, कोई भी टेक्नीशियन यहाँ पर न होने के कारण रात में चोरी छुपके इस प्रकार की गुणवत्ता को बढ़ाया दिया जा रहा है। आप देखिए ये हाथ से उखड़ जा रहा है, ये है PMJSY की रोड, ये खुली है PMJSY, ये देखो डामर इस प्रकार से, देखिए ये आप थोड़ा पूरा खोद के देख लीजिए बिल्कुल। ये कल रात बरसात में, कल रात 9-10 बजे का पेंटिंग है, ये बरसात में पेंटिंग कर रहा है ये मिट्टी में। ये आगे अपने कैमरामैन से आके बताना चाहूंगा, आगे आइए। ये देखिए बड़े बड़े बोल्डर, इसमें कोई रेता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा बोल्डर है ये है बड़े, ये है नीचे पूरी मिट्टी आई, ये एक बड़ा पत्थर है, बाकी मिट्टी है नीचे, इस प्रकार से मिट्टी है सारा। ये प्रधान जी भी हमारे साथ है, प्रधान जी द्वारा इस प्रकार की अनियमितता को, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त न करते हुए इस मुद्दे को उठाया गया। कहीं ना कहीं आपको हम दिखा दें, इस पर रोलर भी चला दिया है ग्राम सभा के लोगों ने, कई बार देखें तुरंत ही इस प्रकार गुणवत्ता, पहले भी देखें। ये PMJSY की रोड, ये ग्राम सभा खटगोली में रात में चोरी छिपी मिट्टी है, पूरी मिट्टी इस प्रकार से देखिए, तो कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला है। और संज्ञान लें विभागीय कर्मचारी अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, जिसमें सबक मिल सके, आगे में इस प्रकार का भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे। ये देखिए अब तुरंत तत्काल इस प्रकार की घटना है, देखो मिट्टी पूरी निकल गई है, ये मेटल की पेंटिंग होती पिछले साल की, पूरी उखड़ गई रोड। मैंने वो भी सूचना विभाग को दी, लेकिन उन्होंने कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया गया। इसमें कहीं आपने शिकायत की DM साहब के पास या आगे कहीं अधिकारियों के पास की? बिल्कुल, PMJSY अधिकारी आपकी बात नहीं सुनने, इस बार आपने आगे तक कहां तक सूचना दी? हमने जिला अधिकारी के पास गए, हम पूरे गांव का एक प्रतिनिधि मंडल गए हमारे पास, लेकिन उसमें भी जांच तहसीलदार साहब को भेजा, लेकिन तहसीलदार साहब ने उसमें कोई जाँच नहीं, कुछ वो बात वहीं पर दब गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों के डैम्पिंग जोन में मल में कुछ नहीं, लोगों के खेत दबा रखे, पत्थर बड़े बोल्डर है खेतों में, नालियां नहीं है, रोड का अलाइनमेंट ये है, रोड का अलाइनमेंट भी अपने आप में संदिग्ध के घेरे में, रोड का अलाइनमेंट पूर्ण तरह से गुणवत्ता के मानक को पूरा नहीं करता है। दूसरी ओर जो पेंटिंग है वो पूरी उखड़ चुकी है, जो लिंक रोड है जहाँ से ऊपर कटी हुई रोड है, वहाँ से ऊपर हम देखते हैं कि सब जगह पेंटिंग उखड़ चुकी है। जब भी हमने जय साहब से और विभागीय अधिकारी से संपर्क किया तो उनका यही कहना है कि ग्राम सभा खटगोली क्यों, हम खटगोली को क्यों देखें, क्या इस खटगोली के बजट को वो अपनी जेब से लगा रहे हैं अधिकारी लोग, या ठेकेदार अपनी जेब से लगा रहा है, क्यों इस प्रकार की मनमानी ग्राम सभा खटगोली के साथ की जा रही है। प्रधान जी द्वारा और ग्राम सभा के अन्य लोगों द्वारा बार बार सूचित किया गया, एप्लीकेशन के माध्यम से भी जानकारी दी गई, परंतु फिर भी मनमानी की गई, तो कौन इसका जिम्मेदार है आइए जानते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही का मामला उत्तराखंड में, इस प्रकार की घटनाएं लगातार बढ़ी है। और पलायन का जो मामला है, कहीं ना कहीं जब रोड अच्छी नहीं होगी तो लोग पलायन करेंगे जरूर, इस प्रकार की जो दुर्व्यवस्था उत्तराखंड के साथ की जा रही है, उत्तराखंड में लोगों के साथ की जा रही है। अब PMJSY की रोड जो मुख्य तौर पर केंद्र सरकार रोड है, उसके साथ घोटाला किया जा रहा है, जो अपनी मनमानी ठेकेदार और जेई अच्छा से अभियंता साहब यहाँ दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राम सभा खटगोली को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को इग्नोर किया जा रहा है, और इस प्रकार गुणवत्ता को आगे इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी जो भ्रष्टाचार है इस पर कहीं ना कहीं ठेकेदार को पहले भी आप लोगों ने सूचित किया, तो इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे? इसमें सरासर विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत है, वो ठेकेदार के मनमर्जी जो हो रही है ठेकेदार को पनाह दे रहे हैं, मनमर्जी की पनाह दे रहे हैं, और ठेकेदार अपने मनमर्जी से काम कर रहा है, विभाग के कर्मचारियों को इससे लेना देना कुछ नहीं है, भाई उनको बस अपने हिसाब से ठेकेदार काम कर रहा, ये है रोड के बुरा हाल है। जी तो आपको हम दिखा दें कि धीरे धीरे ये जो आपको दिखा दें कि रोड इस प्रकार से है, इसके ऊपर कोई भी रेता नहीं है, और जो रात को चोरी छिपे इस प्रकार के काम को किया गया है, पूरा दिखा दें, विभाग के द्वारा लापरवाही की गई, जो चोरी छिपे आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा उखड़ रहा है, और यहाँ पे अब ये रात के द्वारा बरसात में की गई, जब कल रात है, कल 9-10 बजे पेंटिंग है, ये है पेंटिंग का हाल ग्राम सभा खटगोली में, ये ग्राम सभा खटगोली में, खड़गोली में इस प्रकार का देखो, ये है रोड का हाल, पूरा बुरादा उतर रहा है, इसमें कुछ भी रेता नहीं है, और ऊपर से मिट्टी, पीछे आप दिखा दें, ये मिट्टी के साथ काम किया जा रहा है, पूरी मिट्टी के साथ लीपा पोती की जा रही है, खाना पूर्ति की जा रही है PMJSY के ठेकेदारों द्वारा। और जो यहाँ पे जल ग्रहण, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।